Please press the subscribe button, tap on the bell icon, and never miss an update from Ashley. So hey, what's happening SVG sir, welcome back to another tech video. तो यार आज बात करते हैं Fortnite के बारे में। तो Fortnite जैसे आप लोग जानते हैं PUBG और Fortnite दोनों ही बैटल रॉयल गेम्स है, लेकिन PUBG 2017 में लॉन्च हुई थी सभी प्लेटफॉर्म के लिए, वो फेब तक ऑलमोस्ट सभी OS के लिए अवेलेबल हो चुकी थी, लेकिन Fortnite को सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थी वो। Fortnite आपके अवेलेबल है iOS पे, वो अवेलेबल है आपके Xbox के लिए, आपके PlayStation के लिए, आपकी Windows के लिए, लेकिन वो अभी तक Android के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो योर वेट इज फाइनली ओवर, क्योंकि Fortnite अब अवेलेबल है Android डिवाइसेस के लिए। तो इस वीडियो को गौर से देखिए और कैसे आप लोग कर सकते हैं Fortnite को अपने Android पे इंस्टॉल, मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम लोग Fortnite को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली Fortnite प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से गूगल को अप्रॉक्स 50 मिलियन तक का घाटा हो रहा है। तो Fortnite कोई भी कमीशन गूगल को नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि सब उसकी वेबसाइट पर जाकर ही गेम को डाउनलोड करें। तो वेबसाइट पर जाकर गेम को कैसे डाउनलोड करना है और कैसे वो खेल सकते हैं आप अपने डिवाइस पर, और कौन कौन से कंपेटिबल डिवाइस है, जानेंगे आज की वीडियो में। सो अगेन, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर आप लोग Fortnite को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको जस्ट गूगल पर सर्च करना है epicgames.com, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। तो Epic Games पे जाने के बाद आपको यहाँ पे बाहर ही मिल जाएगा Android Beta Epic Games। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपको Android Beta Tester बना देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईमेल इनवाइट शुरू हो चुके हैं Android के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट साइन अप करना है ईमेल के लिए। अगर आप लोग पहले से Fortnite के प्लेयर हैं तो आप लोग करेंगे यस, अगर आप लोग नहीं हैं तो आप लोग करेंगे नो। तो मैं एक ऑलरेडी Fortnite प्लेयर हूं तो मैं यस करूंगा। यस करके आप वो पूछेगा आपने कौन से डिवाइस पे Fortnite को खेल रखा है। तो यहाँ पे है प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, स्विच, iOS, PC, Mac। तो मैंने यहाँ पे PC Mac पे सर्च क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं अपने विंडोज पे ऑलरेडी Fortnite खेल रहा हूं। तो अब आप तो ये पूछेगा अगर आपके पास Epic Games अकाउंट है तो आप लोग साइन इन करें, अगर नहीं है तो साइन अप करें। अब जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं करूंगा साइन इन। तो यहाँ पे मैं साइन इन करने वाला हूँ अपने गूगल प्लस अकाउंट से। तो ये मेरा गूगल प्लस अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे इसे कर रहा हूँ साइन इन। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि यहाँ पे अब एंड्रॉइड बीटा के लिए आ चुका है। ओके, यू आर नाउ ऑन द वेटिंग लिस्ट, वी सेंड यू एन इनवाइट ईमेल व्हेन यू कैन प्ले। तो अगर आप लोग अपनी ईमेल में चेक करेंगे तो आप लोगों के ईमेल आया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको जल्दी से दिखा रहा हूँ अपनी ईमेल। ये देख सकते हैं आप, यहाँ मुझे ईमेल आ चुका है जिस पे लिखा है थैंक्स फॉर योर साइनिंग अप। तो हम इस ईमेल को खोल लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं आ रहा है 360, थैंक यू फॉर साइनिंग अप द Fortnite Android बीटा, क्लिक ऑन द बटन बिलो टू प्री इंस्टॉल Fortnite ऑन ए कंपेटिबल Android डिवाइस। तो जैसे मैं गेट स्टार्टेड में करूंगा, एक इंस्टॉलर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस इंस्टॉलर को आप लोग अपने फोन पे इंस्टॉल करेंगे। आपको APK मिलेगा, अगर आप PC से कर रहे हैं तो आपको APK इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अगर नहीं तो अगर अपने फोन से कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट वो इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो इंस्टॉल करने के बाद कैसे दिखेगा वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं मेरे राइट में, तो यहाँ पे मैं अपने इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो ये है मेरे पास मेरा Fortnite इंस्टॉलर APK। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको एक ऐसी लोडिंग स्क्रीन मिलेगी। तो इसको लोड होने देते हैं। तो लोडिंग के बाद यहाँ पे आपको बता देगा कि अगर आपका डिवाइस सपोर्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा आ रहा है डिवाइस नॉट सपोर्टेड, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ Redmi Note 5। और अब टेक्निकल डिटेल्स में जाएंगे तो आपको बता देगा कौन कौन से डिवाइस अभी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं गैलेक्सी S7, S8, S9, Note, Tab। तो ये अभी सिर्फ डिवाइस अवेलेबल है जो कि Fortnite को अभी प्ले कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द Fortnite इंस्टॉलर जो अभी हमने लोगों ने डाउनलोड किया है। अगर आप कोई और डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आपको वेट करना होगा मिनिमम एक मंथ। तो एक मंथ के बाद आपके लिए Fortnite ऑफिशियली रिलीज हो जाएगा। तो अगर आप लोग यूज कर रहे हैं गैलेक्सी डिवाइसेस यानी S8, S9, S7 या Tab, तो आप लोग आराम से Fortnite को अभी प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं कोई और, तो आपको वेट करना होगा मिनिमम एक मंथ, या फिर वेट करते हैं ऑफिशियल रिलीज के लिए। होपफुली ये जल्द ही रिलीज हो जाएगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए